हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 to 11। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर गिवन है। फर्स्ट पार्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। हमें ये बताना है कि एंगल फर्स्ट और ये एंगल 2 एडजेसेंट है कि नहीं। सबसे पहले इस फिगर में देख रहे हैं एओसी एंड सीओई, एंगल एओसी एंड एंगल सीओई, कॉमन वर्टेक्स ओ एंड कॉमन आर्म ओसी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यस। सेकंड, इज एंगल एओसी एडजेसेंट टू एंगल एओई, एंगल एओसी एंड एंगल एओई, एओसी जो है वो एओई के अंदर है। ये इस टाइप की फिगर है। जो एंगल एओई है, ये वाला एंगल एओई है और एंगल एओसी, ये इसी के अंदर एंगल है। ये बड़े एंगल के अंदर छोटा एंगल इंक्लूड है, इसलिए इसका आंसर नो हो जाएगा सेकंड वाले का। डू एंगल सीओई एंड एंगल ईओडी फॉर्म ए लीनियर पेयर? लीनियर पेयर 180 डिग्री या स्ट्रेट लाइन? अब हम देखेंगे एंगल सीओई, सीओई एंड ईओडी। जब भी टू एंगल्स का सम 180 होता है, जब भी टू एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होंगे वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। फिगर में देख रहे हैं सीओई एंड ईओडी, ईओडी एक स्ट्रेट लाइन है, डीओसी, तो हम कह देंगे यस लीनियर पेयर। फोर्थ पार्ट, आर एंगल बीओडी एंड डीओए सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री में भी देखेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। बीओडी, बीओडी, बीओडी है एंड डीओए, डीओए एंगल एओबी 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि एंगल BOD प्लस एंगल DOA इज इक्वल 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन है। फिफ्थ, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? वर्टिकली अपोजिट एंगल उनको कहते हैं जो जहां पर X बनता है इस टाइप के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। यहाँ X बना है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा। जहां इस टाइप के एंगल बनने हैं आमने सामने, ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इक्वल होते हैं। तो यहां भी देख रहे हैं ये एक्स बनना है, जैसे ए बी एंड डी सी, ये टू लाइन सेगमेंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। सिक्स पार्ट, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 है ए ओ डी, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? सी ओ बी, कि इसको हम ए माने, इसको बी माने, ये डी है और ये सी है। ये फिगर का हमने इस टाइप से बना लिया, ए ओ पॉइंट है, तो एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ओ बी। ए ओ डी और सी ओ बी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एंगल 5 है, एंगल एओडी, एंगल एओडी इज इक्वल एंगल सीओबी, दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो आंसर हो जाएगा सीओबी। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें हमें वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले देखेंगे कि x का 1 है, x
इस लाइन सेगमेंट को हम ए बी दे दें और इस लाइन सेगमेंट को हम सी डी दे दें नाम, और ये पॉइंट हो गया ओ। फिगर में देख रहे हैं कि ए बी एंड सी डी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, ये एक्स बनना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बैक में लिख देंगे एंगल 4 एंड एंगल 1। दूसरा पेयर बनेगा, एक एंगल AOD है और दूसरा एंगल है COB, लेकिन COB 3+2 मिलके बना हुआ है COB, तो इसलिए हम लिख देंगे एंगल 5, एंगल 2+3। अब सेकेंड लीनियर पेयर्स, टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। एक यहां लीनियर पेयर बनना है 1 और 5, ये स्ट्रेट लाइन है AOB, तो ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल 5, एंगल 1, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। दूसरा पेयर बनना है 5 और 4, एंगल 5, एंगल 4, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 3 एंगल्स को मिलकर बन रही है 4, 3, 1, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लीनियर पेयर्स होते हैं 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री, यही आंसर हो गए, ये आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। इस फिगर में हम देख रहे हैं एक एंगल में वर्टेक्स ये है और दूसरे एंगल में वर्टेक्स ये है, एक तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है पर कॉमन साइड आ रही है ये, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। आंसर एंगल 1 और 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दियर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।